अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? देखें सुबह के 10 बज रहे हैं, जस्ट आपका भाई अभी उठा है और अभी देखें बेगम ने जो है एक रेमेडी कर रही है, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही है। वैसे पहले भी किया हुआ है, एक्सपेरिमेंट कामयाब था। डैंड्रफ के लिए जो है ना एप्पल साइडर विनेगर, 30% एप्पल साइडर विनेगर और 70% वाटर, ठीक है, इसका मिक्सचर बना के कॉटन के साथ लगा लेना अगर आपको, तो डैंड्रफ का मसला जो है ना हल हो जाता है। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार लगा लें, मैं आप लोगों को करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन ये मेरे ऊपर बेगम पहले कर चुकी थी, तो पहले काम कर गया था, तो अभी दोबारा ट्राई करें। बेगम स्टार्ट करें प्लीज, और फिर आप लोग भी दिन स्टार्ट करें, आ जाए। मोहम्मद अहमद आप क्या कर रहे हो? डिंग डोंग करो, डिंग डोंग करो। ये देखे भाई, ये मोहम्मद अहमद का डिंग डोंग होता है, ये ऑन ऑफ को बोलता है डिंग डोंग। क्या कर रहे हो मोहम्मद अहमद? डिंग डोंग। भाई रात को जब इसको जो है ना लैंप बंद करनी होती है ना सोते वक्त, तो अम्मा को बोलता है अपनी अम्मा डिंग डोंग, इसका मतलब बंद कर दो। अभी जो है ना हम लोग एक काम से जा रहे थे, इतना में बेगम ने जो है ना एक अनाउंसमेंट कर दी। बेगम की तरफ से क्या है आज? आइसक्रीम है भाई। चले बेगम ने कभी बाहर हमें खाना होना तो नहीं खिलाया, दावत चाव तो नहीं दिए। अच्छा। लेकिन आज बोला बेगम ने कि चलो यार पॉप्सिकल्स खाने का दिल कर, आज मेरी तरफ से आप सब लोगों को पॉप्सिकल्स, तो मुझे या इन सब लोगों को, सबको 7.5 लाख लोगों को। चले मोहम्मद अहमद आपको पॉप्सिकल्स खाने हैं, आइसक्रीम खानी है? आइसक्रीम आपको खानी है? भी। पक्की बात है? भी। ये क्या बन गया आप? ये आप जो प्लेन में बने थे दोबारा बन गए हो? चले भाई आइसक्रीम खाते हैं। वैसे बाय द वे बेगम आपको एक बात बताऊं, बड़ी मजे की बात बताऊं, आज मेरी वैसे भी दावत है। अच्छा। और नेक्स्ट लेवल की दावत है जो कि आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा, मतलब आज की जो वीडियो है एक्चुअली वो उस दावत के ऊपर ही है। एक भाई हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत कोई नेक्स्ट लेवल का इंतजाम किया, अभी से नहीं बताऊंगा, जब आप वीडियो देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ये देख रही उल्टे हाथ पे ये कॉलेज, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज, यहाँ से पढ़ा हूँ मैं। अच्छा। जी हाँ, बीकॉम मैंने यहाँ से किया है। ये मुझे हमारा वक्त देख के याद आ गया, देखें सारे स्टूडेंट्स ही बैठे हुए बाहर ना, इसी तरह हम भी कभी कभी आया करते थे यहाँ पे, बस जब कभी कोई फॉर्म फिल करना होता था। और काफी टाइम बाद हम आ गए भाई पॉप्सिकल्स खाने के लिए। भैया जी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, पॉप्सिकल्स खिला दें हमको। रसबेरी नहीं है, पाइनएप्पल है, मैंगो है, ऑरेंज। रसबेरी नहीं है? अरे यार फिर आप एक काम करें ना, ब्लूबेरी दे दें, पीच दे दें, ब्लूबेरी दे दें। कौन कौन सी है भाईजान? ब्लूबेरी है ये, ब्लू दोनों ब्लूबेरी है। हाँ। चलें ठीक है, आपकी गोद में जो मुन्ना है आप उसके साथ शेयर करें, और मैं जो है ना पीछे जो मेरा मुन्ना बैठा हुआ है मैं उसके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? मैं बड़े मुन्ने के साथ शेयर करूंगा, आप छोटे मुन्ने के साथ शेयर करें। रैपिंग को पकड़ें जरा और निकालने में हेल्प करें। ओए होए 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 होए, एक मिनट, आहिस्ता आहिस्ता, ये डंडी ना बाहर आ जाए इसकी, आहिस्ता आहिस्ता, मैं खुद की। ओए होए होए, ये देख लें आप लोग धुएं निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसी है? जोर से बाइट लो पहले। बेगम आइसक्रीम के लिए भाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक वक्फे के बाद। रात के 9:15 बज रहे हैं, दावत का टाइम हो गया है, और अबू ने बोला बेटा किधर अकेले अकेले किधर दावत पे जा रहे हो बेटा, ऐसा नहीं होता। अबू ने बोला मैं भी चल रहा हूँ आज, मैं बोला आ जाए अबू, मजा आएगा और तफरी आएगी। अब अबू को लेके निकल रहे हैं, आ जाए। भाई सऊदीया से जो भी चीज लेके आए थे ना शॉपिंग, सब खत्म हो गया। ये एक अदद मरिंडा सिट्रस पड़ी हुई है, और ये अबू ने बोला था कि मैं और आप मिल के पियेंगे, सही है, आधी आधी। तो अभी जो है ना हम लोग दावत से पहले जरा पी लेते हैं। चले जी अब इसको खोलते हैं मरिंडा सिट्रस को। ओए हाय ये चीज पियेंगे आप लोग, पियेंगे तो आ जाएं, ये लें। चले मैं पीता हूँ। बिस्मिल्लाह मजेदार है यार, इसके साथ बस अलबैग की कमी है, वहां तो अलबैग होता था और ये होते थी। आहा अबू जी मैंने दो छोटे छोटे घुट लिए, बाकी आपकी है। नहीं नहीं पीना आपने, मैंने तो सिर्फ दो घुट। अच्छा अबू ने भी चखनी है। हाँ जी अबू जी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, तैयार दावत के लिए बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह चलें भाई बेहतरीन। अबू जी प्लान ये है कि बस यहाँ से लेते हैं आमिर को पहले, और आमिर के बाद फिर लेते हैं अब्दुल बासित को, और इसके बाद बस डायरेक्ट हाईवे, ठीक है? इंशाल्लाह। सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
माशाल्लाह बड़े खुश लग रहे हो, जब भी तुम दावत में जाते हो बड़े खुश लगते हो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, मजे में। ठीक है, आज आप भी पार्टी में आ रहे हैं? क्या हो गया भाई, इसको कोविड वोविड तो नहीं हो गया? पक्की बात है, ये बकरा नहीं खाता ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आ जाओ बैठो बैठो। बासित भाई कहाँ हैं? उसको लेने जा रहे हैं। अभी हम लोग जो है ना हसन स्क्वायर के पास से गुजर रहे हैं, सामने देख रहे हैं आप बकरा मंडी लगी हुई है। ठीक है, अब बकरे का ही सीन है आज, हम लोग जो है ना बकरा निपटाने ही जा रहे हैं इंशाल्लाह। यूसुफ मदरसे से निकलते हुए क्या नियत की थी? कि मैं नियत करता हूँ बकरा खाने की। बकरा खाने की, बेहतरीन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? कुछ खाया तो नहीं ऑफिस आके आपने? पक्की बात है, आ जाओ बैठ जाओ भाई। ये हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये पीछे बैठ गए। सही है, पीछे बैठना था ना, आज ख्वाहिश पूरी कर लो। हाईवे पे आते ही पता है कौन सी वाली फीलिंग्स आ रही है? वही वाली वाइब्स आ रही है जो अभी मैं ट्रिप पे होके आया ना, मुझे ऐसा लगा मैं ट्रिप पे ही जा रहा हूँ भाई। आज जो है ना अबू साथ बैठे हुए ना, गाड़ी इतनी आराम से चल रही है ये देखें। और इसका फायदा पता है क्या हुआ, घर से निकला था ना मैं 12.1 का एवरेज दे रही थी और अभी आ गई है 13.2 के एवरेज पे। जबरदस्त, ओ भाई 13.3 हो गया। और मैंने बाय द वे क्रूज लगाया हुआ है। बैरिया टाउन हमने जो है ना क्रॉस कर लिया है। अब मुझे लगता है मुझे जो है ना वॉइस मैसेज करके बोल देता हूँ कि भाईजान तैयार रखें थोड़ा सा बकरा, हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बैरिया टाउन हमने क्रॉस कर लिया है, आप बकरा शकरा जो है ना तैयार रखें, हम आ रहे हैं। हम पहुँच गए हैं बुराक पे। ठीक है, अब कड़ी से कड़ी जोड़ता हूँ मैं। ठीक है, सीन ये हुआ था कि आप लोगों को पता है जब हम लोग एडवेंचर ट्रिप के लिए निकले थे तो हमने यहाँ पे खाना खाया था और यहाँ के जो रेस्टोरेंट वाले थे भाई, उन्होंने क्या कहा था कि आपने जो है ना यार दावत पे आना है हमारे पास। ठीक है, तो अब जो है ना उनका मैसेज आया, बोला है मुस्तफा भाई प्लीज आप दावत पे आ जाए, मतलब प्रोग्राम बना ले, हम आपके लिए कुछ VIP सेटअप कर रहे हैं। तो फिर मैंने बोला कि चले सही है, हम आते हैं दावत पे और दोस्तों को लेके आते हैं। और बस हम लोग पहुंच गए हैं, ये चेक करें भाई, यहाँ पे आज अपना सेटअप है। ये बुराक रेस्टोरेंट है बेसिकली। ठीक है, जहाँ पे हमने दाल छल खाई थी ना, ये वो सीन है। और आज हम इनकी दावत पे आए हैं। भजन कैसे हैं आप? लास्ट वीडियो में पहली मर्तबा तुम्हारी तारीफ की किसी ने कमेंट पे, पता है क्या कमेंट आया था तुम्हारे लिए? यूसुफ बहुत अच्छा लड़का है, इसको अपने साथ रखा करें, वरना कभी भी मैंने कोई तारीफ नहीं सुनी तुम्हारी। आप लोगों को जो है ना किचन में लेके चलते हैं और क्या सीन है जरा वहीं पे चेक कराते हैं। ठीक है ना, कि क्या सेटअप तैयार हो रहा है हमारे लिए आज यार। अंदर जा रहे हैं आप लोगों को ले, आ जाओ। लेकिन किचन में ही नहीं शुरू हो जाना है क्या? हाँ, ये एक हाथ से पुलअप्स लगा रही है मुर्गी, देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल बॉडी बिल्डर मुर्गी है। अरे भाई ये किचन है या क्या? यहाँ तो आपने फुल स्टूडियो बनाया हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो आप क्या वीडियो शूडियो भी बनाते हैं क्या यहाँ पे? यूट्यूब पे चैनल है फयाज बुराक फूड्स के नाम से। क्या नाम है? फयाज बुराक फूड्स के नाम। फयाज बुराक फूड्स के नाम से, अच्छा जबरदस्त। चले आपका लिंक डाल देंगे हम इसके अंदर। ठीक है चले भाई, अब बताएं क्या सीन है? ये माशाल्लाह मटन स्टीम रान रोस्ट तैयार है। अच्छा, पुलाव भी आपके लिए बनाए। अच्छा, और एक आइटम है लड़मीन का। अच्छा, वो भी मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, बस वो आपको इंशाल्लाह चेक करवाते हैं, अगर अच्छा लगे तो जरूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं इंशाल्लाह। तो इसके मुस्तफा भाई आए हैं माशाल्लाह, इनके लिए मैंने ये सारी दावत तैयार की है, फिर देखते हैं इनको अच्छी लगती है या नहीं, ये बाद में हम चेक करते हैं। सही है, ठीक है। हमारा बैठने का सेटअप बाहर है अंदर है? अंदर है। चले चले अंदर चले। भजन कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे हमने खाना लगाना है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। आ जाए भाई। अच्छा एक बात और कहता हूँ मुस्तफा भाई, जी जी, आपके तवस्सुब से कोई भी कस्टमर आएगा ना, हाँ, आपका नाम लेके 30% मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। वाह भाई वाह, क्या बात। जो भी कहेगा कि भाई मुस्तफा भाई के वीडियो देख के हम आए, उनके लिए हमारी तरफ से 30% डिस्काउंट, खाना अच्छा नहीं लगे तो मैं पैसे भी नहीं लूंगा। ओए होए होए, एक ही दफा में तीन दफा आ गया 30% डिस्काउंट, भले वो पूरी जिंदगी आता रहे, मेरी गारंटी है। दिन में दो बार आ जाए, भले भले दो बार आ जाए, 30% डिस्काउंट है उसके लिए। चले भाई, थप्पा लगा दूंगा भैया मुस्तफा भाई की तरफ से आए, इनके लिए 30% डिस्काउंट। क्या बात है भाईजान, पहुंच जाए बुराक, पहुंच जाए, चाय वाय पीने के लिए भी आ जाए, वैसे मैं अक्सर आता रहता हूँ। आ जाए अबू जी, ये बिल्कुल देखें आप, दस्तरखान यहाँ पे जो है ना टेबल के ऊपर लगाया हुआ है, बिल्कुल रेडी टिप टॉप। तुम करो जरा, शादी में खाना कब खुलेगा भाई? चूहे दौड़ रहे पेट में यार। यूसुफ जरा जाके देख के आओ, खुशबू आ रही है बकरे की या नहीं, आना स्टार्ट हुई या नहीं हुई। भाई मैं सोच रहा हूँ जब तक जो है ना हम लोग खीरा वीरा खाना स्टार्ट करते हैं ना, सैलेड से थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सेटअप करते हैं। चलो वासित, आज ये लीमू तुम पी के देखो, ये लो। क्या पीना है? पूरा निचोड़ दो मुंह में, पूरा पूरा निचोड़ दो, निचोड़ दो। आज एक काम करते हैं, फीडर लेके आ रहा हूँ गाड़ी में से, आज तुम कोल्ड ड्रिंक फीडर में पियोगे। ठीक है, हाँ लेके आओ यूसुफ, जाओ गाड़ी में से लेके आओ जरा, ले आओ यूसुफ ले आओ, इसके अंदर भरनी कोल्ड ड्रिंक। ठीक है ना, निकालो जरा डब्बे में से निकालो। उस दिन तो बच गया था अब्दुल बासित, कौन सी पीनी है? उस दिन बच गया था अब्दुल बासित, ये लो भाईजान। वैसे मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक पीने नहीं देता, आज तुम्हें जितनी पीनी है पियो, लेकिन इसके अंदर ही पियो। कैसे रखी जाएगी जब खाने के साथ साथ? हाँ सही है, हाँ सही है। ये देखो ये चूसनी भी इसकी लगी हुई इसके अंदर।
वो देखें, बच्चे जा रहे हैं स्नैक्स लेने के लिए अपने। यूसुफ मेरे लिए भी कुछ लेके आना, यूसुफ मेरे लिए भी कुछ लेके आना। भाई इंतजार करते करते जो है ना मैं किचन में पहुंच गया था, और जैसे ही मैं किचन के दरवाजे पहुंचा हूँ ना तो उनके हाथ में ट्रे थी और वो लेके बाहर ही आ रहे थे, तो खाना भी आ गया सही है बाहर। भाई फाइनली द वेट इज ओवर, ले आए भाई, इंतजार नहीं हो रहा, अब ले आए, ले आए प्लीज ले आए। ये देखें असल माल जो है ना इसके अंदर लोड हुआ मुझे लग रहा है, ठीक है। और ये क्या है भाई, काबुली पुलाव? काबुली पुलाव है स्पेशल हमारा। ओके, और इसके अंदर जो है वो बोटियां छोटियां भी डाली हुई है आपने? मटन का गोश्त है, मटन का गोश्त, और वो अलग से है पूरी रान? वो रान है। अच्छा वो अलग से, और ये मटन लरमीन है। अच्छा लरमीन, दिल गुर्दा कलेजी ये सब कुछ मिक्स है, गोश्त भी मिक्स है। अच्छा अच्छा जबरदस्त जबरदस्त, चले भाई ले आए, भाई ले आए, आ जाए भाई यहाँ रखें। आमिर भाई जगह बनाए। ये भाई ये जो है ना चिकन भी आ गई है, ये चिकन बनाई है, कढ़ाई बनाई है आपने? जी चिकन की कढ़ाई बनाई है। कोई मतलब मटन वटन ना खाए तो मतलब चिकन की वैरायटी रखी है बना ली आपके लिए। हाय हाय क्या बात है क्या बात है। और ये देखें ये बच्चा जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, किटकैट लेके आया मेरे लिए। आमिर भाई इसकी जरा अनरैपिंग करें, बकरे की रान निकालें जरा यार, इसको तड़पा के रखा हुआ है बकरे की रान ने। ओए 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 जो खुशबू निकली है ना अंदर से, ऊपर मैंने ये लहसुन लगाया हुआ है साथ में। अच्छा लहसुन लगाया हुआ है बिल्कुल, वाह भाई वाह जबरदस्त, बेहतरीन हो गया बेहतरीन। ओए भाई सबसे पहले हम ट्राई करेंगे काबुली पुलाव। निकालो यूसुफ और निकालो और निकालो और निकालो, बस 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला निवाला, ओह बिल्कुल नरम नरम बूटी है, और ये किशमिश वाले चावल, और ये गाजर। बिस्मिल्लाह बहुत ही डिलीशियस भजन, काबुली पुलाव बहुत जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया बेहतरीन है माशाल्लाह। अच्छा अबू जी ने जो है ना आज फर्स्ट टाइम काबुली ना काबुली चावल, कैसे लगे? अच्छे लगे आपको? माशाल्लाह जबरदस्त जी। आमिर भाई कैसा? ओके की रिपोर्ट है सारी, आपने सही डाले नहीं जी यूसुफ भाई। अच्छा आपने तो चखा ही नहीं थी, तुमने अब्दुल कबीर वाला काम कर दिया पहले से ही कर दिया भाई। अब जो है ना बकरे की रान आ गई हमारे हाथ में, ये देखें सही है ये आ गई। अब इसको जो है ना पहले ट्राई करते हैं, पहले इसको अकेला ट्राई करते हैं फिर चावल के साथ मिलाएंगे। ये है भाई बकरे की रान का गोश्त। ये तो चावल से ज्यादा मजेदार चीज है यार, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मतलब इतना सॉफ्ट किया हुआ है इसको, बड़ा जबरदस्त यार माशाल्लाह बेहतरीन, और मसाले भी बड़े आपने टिकटॉक हमारे मतलब का बनाया है। यूसुफ भाई आप पेप्सी पीनी है आपको? पेप्सी चले भाई, पेप्सी डालें फीडर के अंदर। ये देखिए इसको पता तुम्हें कितना सही है, नीडो नीडो दूध समझ के पी लेना मामा कितना एमएम पूरा करते हैं। ये देखो अब लगाओ जी अब्दुल वासित भाई, बच्चा देखो कितना, लेकिन ये असल में हमारे अब्दुल वासित भाई इसी तरह पीते फीडर में पीते हैं। अच्छा जी होटल में फिर ये ममाज बॉय हैं। चलो चलो स्टार्ट करो, देखो क्या मजा आ रहा है नहीं आ रहा, शेयर तो करो एक्सपीरियंस जरा। हाँ तो बच्चों वाला ही आएगा, कोई बड़ा वाला थोड़ी आएगा, चूसना पड़ता है भाई। ये तुमने मुंह पे रखी तो ऐसे थोड़ी आएगी, इसको चूसोगे तो आएगी ना। ये तो पूरे ही शौक ही खत्म कर देगा। चलो चलो जरा देखो आ भी रही है नहीं आ रही, नहीं यूं नहीं आएगी भाई, उल्टा तो करो ना इसको, आ रही है। ये धोखे में स्टरलाइज करके अपनी गाड़ी में रखूंगा, जब जब तुम्हारे साथ खाना खाने जाऊंगा ना इसी में तुम्हें पिलाऊंगा मैं भाई। अब खाना तो हो गया, अब मीठे की बारी है, और ये हलवा है। अच्छा मुझे अभी पता चला कि लास्ट टाइम जो हम बुराक वालों की दावत में गए थे वहां पे भी फयाज भाई ने ही खाना बनाया था, और ये हलवा भी हमने वहां पे खाया था। वैसे आपस की बात है, खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह, माशाल्लाह हर चीज बिल्कुल अप टू द मार्क थी, बहुत मजा आया माशाल्लाह। ये आ गया भाई हलवा। हाँ जी जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त, इसमें तो फुल मेवा जात भी डाले हुए, बादाम। चले भाई अब जो है ना हम खड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं। आज हमने जो है ना बहुत वीआईपी चीज खाई, बकरा ये देखें, देख रहे बाइसेप कैसा बन गया, बिल्कुल टिप टॉप। अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पे बैठे हुए चिल कर रहे हो? हाँ सही। यूसुफ बाय द वे थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस किटकैट यार, थैंक यू। अच्छा अच्छा राउंड दे दूं मैं? हाँ यहीं बैठे रहो, ऐसा समझो कि राउंड ले रहे हो, ठीक है। अबू जी कैसी लगी दावत आपको? मजा आया ना वीआईपी, माशाल्लाह। अबू जी वो चीनी वाला पानी पीना, चीनी वाला पानी अभी मैंने भी पीना छोड़ दिया, वो चीनी वाला पानी। हाँ बस आपने बोला चीनी वाला पानी, मैं खुद भी नहीं पी रहा, लास्ट टाइम मैंने भी नहीं पिया था। देखें यहाँ पे जो है ना टक शॉप के ऊपर जो भाई है ना, इन्होंने क्या पूछा अभी?
फीडर। इन्होंने भी देख लिया कि अब्दुल वासी भाई को तोहफे में फीडर मिली है। भाई मैंने अभी कोल्ड ड्रिंक पिला दी है इनको फीडर में। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ यार, वैसे दिल कर रहा है दोबारा ये चीनी वाला पानी पीने का। ये देखें दिल कर रहा है मेरा, वाकई दिल कर रहा है, लेकिन छोड़ देते हैं यार, इतना मीठा भी अच्छा नहीं होता है। चाय का सेटअप भी अब भाई लेके आ गए हैं। ये देखें भाई, उठाएं भाई चाय उठाएं। ये भाई मेरे लिए भी बना के लेके आए, मैं चाय पीता नहीं हूँ, मेरी भी चाय इनको दे दीजिए आप। ये देखें एक हाथ में अभी भी जो है ना माउंटेन ड्यू चल रही है और चाय भी ले ली है। अच्छा भाई इन्होंने देखें यहाँ पे जो है ना टेबल कुर्सी लगा दी है बिल्कुल ना, अब यहाँ पे पी रहे हैं। अब्बू जी को जो है ना चाय पीनी थी VIP किस्म की। अब चाय कैसी थी? अच्छी है चाय, चले जबरदस्त जबरदस्त भाई। अब्बू ने जो है ना आज फुल एंजॉय किया माशाल्लाह। भाई दावत जो है ना हमारी ओवर हो गई। फयाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू सो मच यार, बड़ा मजा आया, बेहतरीन। चले भाई चले भाई जान, हो गई खत्म हो गई दावत। क्या जान लोगे क्या, यहीं पे रुकोगे क्या कल तक? ठीक है भाई जान चले, ओके फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके आमिर भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह यूसुफ किधर है? यूसुफ किधर है? ओके यूसुफ भाई आपने शर्फ बख्शा हमें, थैंक यू सो मच, जजाक अल्लाह, जाके सो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए भाई, ये रात के 2 बज गए यार। बेगम कैसी हैं आप? ठीक ठाक है, अच्छी खासी नींद खेच चुकी हैं आप माशाल्लाह। चले जबरदस्त है। आज जो है ना जब मैं बोटियां वहां पे बकरे की बोटियां उठा रहा था ना, हर एक निवाले पे मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसीलिए मैं पार्सल का जो है ना खास इंतजाम करवा गया हूँ आपके लिए। ठीक है हाँ, आराम से आप निपटा सकती हैं बकरे की बोटियां। चले भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं जो है ना बस ऑरेंज जूस पीऊंगा, इसके बाद फिर मैं सोऊंगा। ठीक है, बच्चे दोनों साथ सो रहे हैं, मजे लेके जो है इनको हक कर करके टाइट ऐसे ऐसे करके जाना फिर सोते हैं। कल के ब्लॉग में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे मुस्तफा अनीफ 26 के नाम से फॉलो भी कर लें। अस्सलाम वालेकुम।